हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफी सारे व्यूवर्स जो हमारी वीडियो देखकर फाइल बना रहे हैं, तो उनकी कमेंट्स आ रही थी कि आप थ्योरी के भी वीडियो अपलोड कीजिए। सो फाइनली मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और आज लाई हूं मैं थ्योरी का वीडियो। अम्ब्रेला जो कुर्ती होती है, वन पीस होता है, ए लाइन भी कहते हैं, पर ज्यादातर इसे अम्ब्रेला और वन पीस कुर्ती कहा जाता है। उसी की ड्राफ्टिंग हम देखेंगे, साथ ही मैं पैटर्न पेपर पर आपको कटिंग भी करना बताऊंगी, जिसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह पहले मैं आपको थ्योरी पढ़कर बता देती हूँ, उसके बाद हम डायग्राम वाइज समझेंगे। इसका डायग्राम जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, आप देख पा रहे हैं। उरेब में इसकी कटिंग होती है, कैसे क्या होता है सब कुछ मैं आपको पैटर्न पेपर पर बता दूंगी। ए लाइन कुर्ती, अम्ब्रेला कुर्ती, ठीक है, सभी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, वन पीस भी कहते हैं इसे। अम्ब्रेला कुर्ती ड्राफ्टिंग मैंने हेडिंग डाल दी है। सबसे पहले लेंथ यानी कि कुर्ती की लंबाई, कुर्ती की लंबाई 40 अगर आपको रेडी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि आप कपड़ा कितना लेंगे, 42 इंच का। ओके, शोल्डर भी आपको हमेशा की तरह जो भी शोल्डर है उसका आधा करना है, जैसे 14 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या लेंगे शोल्डर 7 इंच। ओके, नेक है हमारा यानी कि गला 3 इंच लेंगे हम, गले की लंबाई 6 नॉर्मल चलती है, और या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आर्म होल यानी कि मुड्डा, मैंने यहाँ से यहाँ जो देखिए 7 आया है, मैं यहाँ पर 6.5 लूंगी या 7 इंच लूंगी, ये थोड़ा सा चेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और नेक के ऊपर भी डिपेंड करता है। चेस्ट जो है 34 का फोर्थ पार्ट करेंगे, आपके क्लाइंट का जो भी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट कीजिए, यानी कि चौथा हिस्सा निकालिए। फोर्थ पार्ट करने के बाद जो भी आता है उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए, तो आपका निकल कर आ जाएगा 10.5। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 होता है, प्लस उसमें मैंने 2 कर दिया है। उसके बाद कमर देख लेते हैं, कमर हमारी 30 है, 30 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 7.5 आएगा, प्लस हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। अब मैं पेज टर्न कर देती हूँ। इसके लिए अब हम मेथड समझेंगे, इसकी विधि क्या है। इधर भी एक डायग्राम है, इसे भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है बस। इसके लिए कपड़े को सबसे पहले 2 लेयर यानी कि 2 भाग में फोल्ड करना है हमें, ठीक है, ध्यान रखना है 4 लेयर में फोल्ड नहीं करना है, नॉर्मली 2 लेयर में फोल्ड करना है। देन 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद उसे ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे। वापस से हमने ट्राइंगल शेप में फोल्ड किया तो हमारा कपड़ा अब कितनी लेयर में हो गया, 4 लेयर में, ऑलरेडी 2 लेयर पहले था, फिर हमने फोल्ड किया तो 4 लेयर में हमारा कपड़ा हो गया। अब हमारे पास 2 भाग मिलेंगे ट्राइंगल शेप में, एक तरफ बंद होगा एक तरफ खुला होगा। मैं बताती हूँ, जैसे कि ये खुला भाग है और ये कौन सा भाग है हमारा, बंद भाग है, ठीक है, तो बंद भाग में से गले की मार्किंग करेंगे, जैसे कि मैंने की हुई है ये नेक के, ये भाग मेरा बंद है, यहाँ पर मैंने गला मार्क किया हुआ है, और आर्म होल खुली साइड मार्क करेंगे, ये खुली साइड है, ये मैंने आर्म होल मार्क किया यहाँ पर। ओके, इसे बनाने के लिए 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। इसकी कटिंग उरेब में की जाती है, उरेब कटिंग से इसमें फ्लेयर अच्छा आता है, इसे अम्ब्रेला कुर्ती भी कहते हैं, ठीक है। देखिए बाकी सारे निशान एक जैसे ही हैं, इसीलिए थ्योरी आप मेरी अगर हमेशा देख रहे हैं वीडियो तो सेम थ्योरी ही इसमें आपको लिखना है, इसीलिए मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि सेम ही थ्योरी है चेस्ट और वेस्ट की। चलिए अब हम डायग्राम समझते हैं और साथ ही पैटर्न पेपर पर इसकी कटिंग करते हैं। मैंने ये पैटर्न पेपर लिया हुआ है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जो भी ड्राफ्ट बनाते हैं वो इसी से बना के रखते हैं पैटर्न हमारे, तो पैटर्न पेपर आप अपने पास जरूर रखिए। फिलहाल ये सिंगल फोल्ड है, अब मैं इसे डबल फोल्ड कर लूंगी, इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे, उससे क्या होगा हमारा अम्ब्रेला शेप अच्छा आता है और फ्लेयर भी काफी अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ मेरी ओपन साइड है, यहां से मैं इस तरीके से उठाते हुए इसे फोल्ड करूंगी, ये देखिए ट्राइंगल शेप में फोल्ड हो गया है। ट्राइंगल शेप में फोल्ड होने के बाद आपको बंद और खुला भाग देखना है कि कौन सा भाग बंद है और कौन सा भाग खुला है। अब उसके बाद में ये जो भाग है ये खुला वाला है और ये जो भाग है ये बंद भाग है। अब बंद भाग की तरफ हम गले की मार्किंग करेंगे, तो चलिए सारे निशान लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला काम आपका होगा शोल्डर का। अब शोल्डर कैसे मेजर करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक में आप देखते जाइए, जहां जाकर आपका शोल्डर का इक्वल आ जाता है, जैसे कि जो भी आपको शोल्डर चाहिए, मुझे यहाँ तक मेरा शोल्डर मिल गया तो मैं यहां से यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए मेरी लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरफ बंद भाग में नेक की मार्किंग करना है। इस तरीके से मैं नेक की मार्किंग करूंगी, गले की मार्किंग हम बंद भाग की तरफ करेंगे। ये देखिए गला मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद यहां से यहां हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। आई होप आप सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा। देखिए यहां से यहां इस तरीके से ये नेक हो गया, ये आर्म होल हो गया। अभी मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूं, मैं सिर्फ आपको इस तरीके से बता रही हूं कि आपको किसी भी साइज का बनाना है तो इसी तरीके से मार्किंग करना है। अब आपको लेंथ किस तरीके से मेजर करना है, यहां से यहां तक आपको लेंथ मेजर करना है। देखिए यहां पर हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पर ज्वाइंट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब हम लेंथ मेजर कर लेंगे। जैसे 6 इंच रेडी चाहिए तो मैंने 7 पर मार्किंग कर दी है, 1 इंच 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद आपको चेस्ट की मार्किंग और कमर की मार्किंग करना है। यहां से यहां चेस्ट मार्क कर लेंगे आपका जो भी चेस्ट आ रहा है। उसके बाद हम कमर की मार्किंग कर लेंगे, जितनी भी आपकी कमर आ रही है इस तरीके से मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे, उधर फ्लेयर से हम बिल्कुल टच कर देंगे। ये देखिए अब यहां से यहां पर कर्व देते हुए हम शेप लगा देंगे। इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए गाइस मैंने कटिंग कर दी है, और कटिंग करने के बाद आपको इस तरीके से दो पीस मिलेंगे, एक फ्रंट का रहेगा और एक बैक का रहेगा। ये देखिए दो पीस हमें मिले हैं, एक हमारा फ्रंट का और एक बैक का। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग समझाती हूँ। चलिए डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले कपड़े को आपने 2 लेयर में लिया था, उसके बाद में आपने इस तरीके से फोल्ड किया इसे। अब फोल्ड करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ आपको जो ये नजर आ रहा है ना, ये लाइन, ये हमारा बंद भाग है, यानी कि फोल्डेड साइड है। सबसे पहला काम आपको करना है शोल्डर की मार्किंग का। तो आपको शोल्डर कैसे समझना है, यहां से यहां तक आपको देखना है आपके शोल्डर का निशान। तो इस तरीके से जो भी आपका शोल्डर आ रहा है वहां तक देख लीजिए। जैसे यहां हम रखेंगे तो हमारा शोल्डर नहीं आएगा, आपका जो भी शोल्डर है उसका आधा कर इस तरीके से निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद आपको जितना भी नेक चाहिए वहां पर मार्क कर दीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर तो हमारा एंडिंग है ही सही शोल्डर का। अब नेक की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी आपको नेक की लंबाई चाहिए इस तरीके से नेक की लंबाई ले लेंगे। और यहाँ से यहाँ हम आर्म होल की लंबाई ले लेंगे, जितना भी आपको आर्म होल रखना है। और इस तरीके से शेप दे देंगे दोनों ही साइड, इस तरफ भी हम शेप दे देंगे। उसके बाद आर्म होल के जस्ट नीचे की तरफ हमारा चेस्ट होता है, तो यहां से यहां आपको चेस्ट मेजर करना है। जो भी आपका चेस्ट है यानी कि सीना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए। वेस्ट लाइन कैसे समझेंगे, आपको कहां पर आपकी कमर की मार्किंग करना है, तो इसके लिए आप यहां देखिए मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है। आपको कमर की मार्किंग जो है वो 12, 13, 14 पर करना है। अगर नॉर्मल लेंथ का है तो 12, मीडियम है तो 13, और लेंथ ज्यादा है अगर क्लाइंट की तो 14 इंच पर आपको कमर की मार्किंग करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कमर की मार्किंग कर देंगे। भी आपकी कमर है उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए 4th पार्ट कर और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ हम इस तरीके से मिला देंगे, और मिलाने के बाद आपको अगर फ्लेयर से यहां तक टच करना है तो आप कर सकते हैं, ऊपर कोना ज्यादा निकलता है इसलिए मैंने यहां तक टच नहीं किया है। तो थोड़ी सी इधर गैपिंग रखते हुए मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब हम यहां पर शेप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम शेप लगा देंगे एंड तक। ये देखिए हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ये साइड जो रहेगी ये आपकी ओपन साइड रहेगी, यानी कि ये भाग खुला रहेगा।
और आप देख सकते हैं किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये मैंने इधर और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ से यहाँ नेक है, फ्रंट बैक का शोल्डर, ये देखिए ये आर्म होल है, और फ्रंट और बैक में आर्म होल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने इसमें देखिए 1 इंच पर हमारा फ्रंट होता है और 1.5 इंच पर हमारा बैक का आर्म होल होता है। ये हमारा सीना है, ये कमर है, और जब हम रिटर्न फोल्ड करेंगे तो हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग थ्योरी और आपको पैटर्न बनाना भी बताया है। इस तरीके से जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आपका पैटर्न बन चुका है। ये देखिए इस तरह से कोना, आप इस कोने को चाहे तो इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए सेम इसी तरीके से ये पैटर्न बनकर आएगा, और खुलने पर मैंने आपको बताया ये 2 पैटर्न निकलेंगे। जिस तरीके से मैंने फोल्ड करना बताया हुआ है सेम ऐसे ही आपको फोल्ड करना है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना ड्राफ्टिंग और पैटर्न पेपर पे और थ्योरी, तीनों चीज जानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।